Bakra Eid Mubarak. You're watching the one and only Super Football Show only on Jio Super. So, once again, boys, Eid Mubarak, Osman and Khurram. Thank you. And what will we be discussing today? Matlab, itni sari cheeze hain, aap bataein. Thodi bata dena. Hum pehle to Pakistan Premier League ke bare mein baat karenge aur uske baad Asian Games ke hawale se wo baat karenge. To kaafi baatein karne ko. To Khurram aap EPL ki upsets ke bare mein baat karenge. Ek burning bridge ke bare mein baat karenge. Uske baad ek gunning squad jo hai jo second place hasil kiya hai. Iske alawa Milan derby ki baat karenge hum. Asian game mein ek bahut hi bada sa change aaya hai aur wo change itna bura hua hai Pakistan ke liye that change hi change ho gaya. Well, what happened? बड़े बड़े दावे हो रहे थे, बड़े लोगों को बुलाए थे सिखाने के लिए, एक भी गोल नहीं कर पाए. Qualifying matches थे, बहुत disappointing run रहा, पाकिस्तान दो matches हारा और एक draw किया और वो भी काफी ज़्यादा margin से, ओमान से दो गोल से हारा और थाईलैंड से छह गोल से हारा. So I think के final third में तो बहुत ही ख़राब रहा, goal scoring skills lack करे और यही यही जो Graham Roberts साहब जो थे जिन्होंने उन्होंने analyze किया, उन्होंने यही कहा कि goal scoring skills lack कर रहे हैं और I think उनका एक contract जो एक साल के लिए बढ़ाने की बात हो रही है, ये एक अच्छी पेशरफ्त होगी पाकिस्तान फुटबॉल के लिए. क्यों पचासा लड़के तो खेलते जाएंगे, लड़कियां भी काफी अच्छी तरह खेल रही हैं. सो चलो, let's ask the boys about the girls. इस्लामाबाद में एक वुमेन्स कैंप चल रहा है जिसमें टेक्निक और स्किल्स पे ज्यादा फोकस. आई थिंक ताहिर लुफ्ती साहब जो है वो काफी चलो अच्छी बात है. ऑल ऑफ दिस इज रियली ग्रेट बट आई गॉट टू पॉज यू गाइस एंड अभी फिर वक्त हम जाएंगे रिपोर्ट के लिए, रिपोर्ट के बाद वापस आएंगे. सो आप लोग देखें क्या हुआ और क्या नहीं हुआ. लेट्स गो. जहां एशियन गेम्स में पाकिस्तान की फुटबॉल टीम ने मायूस कुन कारकर्दगी का मुजाहरा किया, वहीं पाकिस्तान में ये खेल खवातीन में तेजी से मकबूल हो रहा है. गुज़िश्ता रोज़ पंजाब फुटबॉल स्टेडियम में खवातीन खिलाड़ियों ने कोच तारिक लुत्फी की सरबराही में सुबह और शाम दो सेशन में ट्रेनिंग की. माजी की परफॉर्मेंस को देखते हुए कैंप में 36 खिलाड़ियों को मदऊ किया गया था, बाद में उनकी तादाद 26 कर दी गई. खिलाड़ियों की कारकर्दगी के हवाले से कोच तारिक लुत्फी का कहना था, तमाम जो लड़कियाँ हैं और जो मैं भी फोकस हूँ थोड़ा सा कि इनको बेसिक जो इनकी रिक्वायरमेंट है फुटबॉल खेलने के लिए, मैं चाहता हूँ इनकी बेसिक टेक्निक्स को इम्प्रूव किया जाए ताकि इनको फुटबॉल खेलने की समझ आए. नेशनल वुमेन टीम इस साल साउथ एशियन गेम्स में हिस्सा ले चुकी है और अब पहली मरतबा सैफ वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप में एक्शन में दिखाई देगी. ये चैंपियनशिप 3 दिसंबर से बांग्लादेश में मुनाकिद होगी. ट्रेनिंग के हवाले से खवातीन फुटबॉलर पर अज़म है और उनका कहना है, हमारा कैंप बड़ा मतलब छोटे टाइम के लिए लगता है ना, अगर टाइम थोड़ा ज़्यादा मिले तो हम लोग मे बी फर्स्ट पोजीशन निकाल सकते हैं इजीली. हम लोग मतलब बहुत हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी पोजीशन पर आएँ, हमारे स्पिरिट्स आए, अच्छा ही कुछ अचीव करके आएंगे. चले ये थी लड़कियों की रिपोर्ट और जो लड़कियां कर रही है उन सारी चीज़ों की रिपोर्ट. आई एम रियली हैप्पी दैट जितना इंटरेस्ट व्हाट यू कॉल जितना इंटरेस्ट बॉयज़ में है उससे डबल लड़कियों में भी है ना. और जितना मतलब लेट्स सी, उम्मीद हमें खिलाड़ियों मेल खिलाड़ियों से भी थी, अब देखते हैं फीमेल्स क्या करते हैं. सो टेल मी समथिंग दैट आई डोंट नो. अभी द बेस्ट चीज तो ये 15 लाख रुपए हमें मिल चुके हैं. ओए ओए क्यों हमें तो नहीं बाटलेट जो हम तो नहीं पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन. आई डोंट हैव लेकिन एक और मैं आपको एक और ऑजीज आर हेल्पिंग अस 5 लाख लोन मांगने वाले ऑस्ट्रेलियन जितने भी स्पोर्ट्स के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, ये 7 मिलियन रुपीज अब तक दे चुके हैं और इसमें स्पेशली ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो पैसा लगेगा वो लियारी और गिलगित बल्तिस्तान वहां के जो एकेडमीज हैं प्रोजेक्ट्स उनको प्रमोट किया जाएगा. दे आर सो टैलेंटेड एंड सॉकर में तो वो आई बिलीव द लियारी वाले आर रियली गुड. अच्छा अच्छी बात ये है कि देखो अख्तर मोहिदीन ग्राम रॉबर्ट्स ने सब यही बोला है कि ग्रास रूट्स पे हमें फोकस करना चाहिए कि हमारे 16 साल 17 साल को स्ट्रेंथन करो. वेल एनीवेज आई गॉट टू टेल यू गाइस ला लीगा. ओके एंड इन ला लीगा रियल मैड्रिड इज स्टिल लीडिंग इट. वो ग्रेट रियल मैड्रिड के एक खूबियत के बारे में बात करें, उन्होंने कोपा डेल रे में जो है ना 5-1 रियल मुरिसिया को जो हराया था और उधर जोसे मुरिनियो जो मैनेजर उसको रेड कार्ड मिला तो हियर टू मैच बैन. तो ही वाज इन ऑन द टच लाइन, ही वाज अप वाचिंग इट फ्रॉम द छत और फिर भी इसने 80th मिनट में एक टेलीफोन कॉल के एक एसएमएस भेजा दैट पुट करीम बेंजेमा ऑन इन द 60th मिनट एंड गेस हु स्कोर द गोल. हिग्वाइन स्कोर द गोल. ओके दैट्स रियली ग्रेट बट आई आल्सो गॉट टू टेल यू गाइस सारे लड़कियां लड़के जो देख रहे हैं एंड हु लव फुटबॉल, आई गॉट टू टेल यू इस हफ्ते का सुपर प्लेयर ऑफ द वीक इज रियली रियली स्पेशल. सो इवन आई डोंट नो हु ही इज but according to what these boys told me that he's very you know good looking. So what I'll do is I'll just cross my fingers and let's hope it's Ronaldo. But chalo dekhte hain. Wow, I love his haircut.
is the guy who messed it up. Messi! Wow! That's great! हम अक्सर बात करते हैं, I think काफी cute display भी था football का. Messi ने दो goal दोबारा किए. Barcelona ने दोबारा ये वाला match 3-1 जीता, वो भी Villarreal से, जो कि बहुत अच्छा follow कर रहे थे ऊपर. But that's great, like we all discussed, and Messi has a long way to go, and I just simply think he's cute, एक baby cuteness होती है, चलाकी नहीं है, sweet बच्चा है. हम उधर तक तो नहीं जाएंगे, मैं एक चीज बोलना ये चाहूँगा कि Villarreal are third in the table of the league, ठीक है, they're a very good squad, और Barcelona के पास कोई central half नहीं था, Raúl Márquez नहीं था, और Carlos Puyol was playing alongside Eric Abidal. Pepe Guardiola ने बीच मैच में एरिक अब्राल को आगे भेज के मेसी को फ्री कर दिया था. वैलेंसिया और विलरियल काफी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये टू हॉर्स रेस मुझे लग रही है स्पेनिश लीगा, रियल मैड्रिड और बार्सिलोना मैनेजर. बट एक मिनट बॉयज, राइट नाउ आई रियली वांट एवरीवन टू सिट क्वाइटली, क्योंकि राइट नाउ इज द करेक्ट टाइम फॉर द हॉट 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 गॉसिप. एंड व्हाट्स हैपनिंग, when will I be going in the football field? मतलब क्रिकेटर चला गया, डेविड बेकहम फुटबॉल से शेफ बन गया, शेफ बनने के बाद एक्टर बन गया, और कोई गुलुकारा भी चली गई, ये क्या हो रहा है? What's happening? Are we talking about Prince of Calcutta? Oh God, the India वाला. सौरव गांगुली जो रिटायर हो चुके, मोहम्मदीन क्लब में खेल रहा था, प्रेसिडेंट जुबली क्लब हो रहा था, जहाँ पर शेफ यूनाइटेड भी और जीते तो वैसे ईस्ट बंगाल है उल्टा, मगर फिर भी गांगुली प्लेइंग फुटबॉल. और एक खास बात गांगुली का ये कि 99 नंबर की शर्ट पहनता है, और 99 हमारे बहुत बड़ा लेजेंड है रोनाल्डो. जी ट्रिविया क्वेश्चन, हम बताएंगे नहीं दिखाएंगे, तर आप लोग देख देख कर कुछ तो करो. खैर जी उस्मान, देयर वी गो, एंड जाते हैं ट्रिविया क्वेश्चन के लिए, लेट्स गो. मदीरा पुर्तगाल, द हाउस ही ग्रू अप इन, हिज मॉम, ही वाज बोर्न टू प्ले फुटबॉल, ही यूज्ड टू प्ले फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, करंटली प्लेइंग विद द बिगेस्ट क्लब इन स्पेन, रियल मैड्रिड. With the clues, guess the player. Option A, Deco. B, Luis Figo. C, Cristiano Ronaldo. And option D, Raul Meireles. ये कौन है? कौन है तू? अगर मुझे पता होता तो मैं इसका जवाब ना दे देता, लेकिन ये आप खुद गेस करेंगे कौन है. Not to tell. 436. But you sound really handsome. Cute also. 436 पे मैसेज करके बताइए कौन खिलाड़ी है.